अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, क्लास 11th मैथमेटिक्स अभी पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की न्यू बैच चाहते हैं, आप YouTube पर क्लास 12th की पढ़ाई चाहते हैं और वो भी संपूर्ण क्लास की पढ़ाई चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 1 से लेकर के संपूर्ण बुक की पढ़ाई मिलेगी और सभी पार्ट मिलेंगे। तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी पार्ट को देख ले, हम पार्ट वाइज कर दिए हैं, पार्ट 1 से लेकर के अभी तक जो पार्ट बनाए हैं सभी को देख लीजिए, या आप हमारे किसी भी वीडियो को क्लास 12 की शुरू करेंगे तो बीच में आपको हैशटैग मिलेगा, देख सकते हैं 12th, और इस हैशटैग को छुएंगे तो हमारे द्वारा बनाए गए सभी पार्ट का वीडियो आपको सीरियली आ जाएगा। ये जो क्लास 12 की न्यू बैच है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए है, ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट सीरियली तैयारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको किसी भी दिन क्लास मिस नहीं होगा, आप कहीं नहीं भी पढ़ेंगे, आप लोग वीडियो को देख करके कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और जो हम बताएंगे सभी को उतारते जाइए, आपको संपूर्ण क्लास की पढ़ाई मिलेगी, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। सवाल होगा एक्सरसाइज क्या हो गया, 1.1 क्लास 12 चैप्टर हो गया। अब देखो सवाल जो है, सवाल इस प्रकार से है कि प्राकृत संख्याओं के समूह n में r बराबर एक्स वाई, समझ गया ना, मतलब प्राकृत संख्याओं का समूह क्या है, n है यानी नेचुरल नंबर है। इसमें जो आपको रिलेशन दिया है इस प्रकार से है, एक्स वाई यानी एक्स वाई पेयर इस प्रकार से रहेंगे, समझ गया, y का मान क्या है एक्स प्लस फाइव, y का मान क्या है एक्स प्लस फाइव, एंड x का जो मान है वो आपको जो है चार से छोटा है, समझ गया ना, x का मान क्या है चार से छोटा। तो अब इस पर देखना है कि कौन रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सिमेट्रिक होगा, कौन ट्रांजिटिव होगा। तो देखो x का जो मान है वो आपको चार से छोटा, चार से छोटा है, तो बोलो x का मान क्या होगा, एक तीन चार, एक दो तीन तक होगा, तीन होगा ना, तीन होगा। एक से क्यों शुरू किए, क्योंकि n प्राकृतिक संख्या का समुच दिया है सर जी, एक से ही क्यों शुरू किए, क्योंकि n दिया सर जी, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं देता तो जीरो जीरो से जुड़ जाता ना जी। अब देखो जब x का मान एक है तो वाई का मान छह हो जाएगा, रिलेशन लिखो तो जैसे मान के चलो कि हम x का मान एक लेते हैं यानी x के स्थान पर एक रखते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर, तो y का मान क्या हो जाएगा एक और छह लिखे ना सर, क्योंकि यहाँ पर x का मान एक रखेगा तो पांच एक क्या हो गया, छह हो गया ना, अब दो और सात, अब देखो x का मान हम क्या रखेंगे, दो और पांच जोड़ेंगे सात हो जाएगा, तो पांच दो सात होगा। अगर x का मान हम दो रख देते हैं, समझ गया ना, जैसे x का मान हम दो रख दिए ऐसे, तो बराबर यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखेगा, दो 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 प्लस क्या हो गया फाइव हो गया ना, प्लस क्या हो गया फाइव, कितना होगा सेवन होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो गया सेवन। अगर x का मान, x का मान थ्री रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं थ्री रखते हैं, देखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, तो y का मान क्या निकलेगा, निकल गया, आप बोलो ये रिफ्लेक्सिव होगा, नो सर जी नो सर, ये रिफ्लेक्सिव होगा नो सर, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नहीं होगा नो सर, ना होगा, एक दो तीन है ना जी सर, एक्स का मान क्या है एक दो तीन, अगर तीन एलिमेंट है, एक है दो है और तीन है, तो क्या करेगा, एक रिलेटेड एक होता ना जी, जी सर, एक होता ना, दो रिलेटेड दो होता ना, तीन रिलेटेड तीन तीन होता है ना जी सर, क्या एक एक है नो सर, दो दो है नो सर, तीन तीन है, तो यहाँ पर लिखेगा आर इज नॉट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिलेशन, कारण क्या देगा, बिकॉज बिकॉज ए नॉट रिलेटेड नॉट रिलेटेड डज नॉट रिलेटेड वन, जी सर समझ गया ना, एक एक से संबंधित नहीं है, इतना देने से सर जी सब हो जाएगा, हो गया जी।
समझ गया ना जी सर। एक एक से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। अब दूसरा देखो सिमेट्रिक, दूसरा सिमेट्रिक ये भी नहीं होगा। ए बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए छह है तो छह एक है ना जी सर। देखो बोर्ड पर देखो सब समझ जाएगा जी। एक किससे रिलेटेड है, छह से, यानी एक छह है ना ए और बी। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि छह एक भी होना चाहिए इसे। सिमेट्रिक क्या कहता है, छह एक भी होना चाहिए, उल्टा के भी होना चाहिए जी। समान के पहले एक छह है ना तो छह एक भी रहा। उसमें क्या खोजेगा, छह एक खोजेगा। देखो एक छह है तो छह एक है, इसमें रिलेटेड है क्या ये सिमेट्रिक होगा। नो सर जी नहीं होगा। यहाँ पर लिखेगा आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेटेड। देखो ये यहाँ पर आपको हो गया वन रिलेटेड सिक्स, वन रिलेटेड क्या हो गया सिक्स। सब तो सर पर है तो इंप्लाइज सिक्स नॉट रिलेटेड वन, डज नॉट रिलेटेड वन। यस सर मतलब एक छह से संबंधित है। आर फोर क्या हो गया, संबंधित रिलेटेड, रिलेटेड जी। आर फोर रिलेटेड मतलब रिलेशन से रिलेटेड बना है जी सर। तो एक छह से संबंधित है, इनका शुद्ध हिंदी क्या होगा, एक छह से संबंधित है, यानी वन रिलेटेड सिक्स संबंधित है। उसके बाद सिक्स डज नॉट रिलेटेड वन जी सर, संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो यहाँ पर लिखेगा आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इसके भी कारण लिखेगा नो सर, नो सर हो गया वही पहले ही कारण हो गया। तीसरा इसमें देखो ट्रांजिटिव सर, तीनों का कारण लिख सकते हैं ना, तीनों दो सात तीनों का नाम लिखना होगा। नहीं है तो कारण लिखेगा न, क्यों नहीं है तीनों का ना। इसका कहने का मतलब है कि एक छह जैसे किया ना तो दो सात से भी रहता, वो भी कारण लिखते सात दो क्यों ना है। देखो हाँ लिख सकता है हाँ। तो मान के चलो कि लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा ना, मतलब हम क्या बताएं कि एको को विरोध कर दिया तो नहीं होगा, नहीं होगा तो उतना लिखने की कौन जरूरत, जरूरी है नहीं है। आप देखिए इसमें ये तो होगा ही नहीं ट्रांजिटिव रिलेशन जी सर, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। जैसे मान के चलो कि एक किससे संबंधित है, छह से, इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, इधर के किसी में नहीं। आप बोलो इसका लास्ट एलिमेंट अगर छो है तो देखो किसी के शुरुआत में छो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, सात है, तो किसी के शुरुआत में सात नहीं मिल रहा है, सात मिल रहा है। ये आठ है तो मिल रहा है, इसीलिए अगर मिल जाता तो हम फिर जो है कि वो दो को कॉमन एलिमेंट को छांट करके वो पेयर देखते, समझ गया ना, जो एलिमेंट बस जो मिल बी और सी देखते एक दो मिलता है, सर चीज निकल गया, ये दो तीन मिलता है ना जी सर। ये दो जो मिलता है इन दोनों दो को छोड़ देते हैं, क्या खोजते हैं, एक तीन जी सर। हालांकि छो तो मिला ही नहीं, सात भी नहीं मिला किसी की शुरुआत में, आठ भी मिला, ये डायरेक्टेड ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अगर रिलेशन के अनुसार चलेगा, किसके अनुसार चलेगा, रिलेशन के अनुसार, फिर भी ये जो है आपको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर हम पेयर लिख चुके हैं तो वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं से ना लिखे हैं। हाँ तो यहाँ पर लिख दो कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन मान के चलो कि ट्रांजिटिव में हम कितने एलिमेंट लेते हैं, तीन। एक्स रिलेटेड क्या करेंगे, वाई रिलेटेड क्या करेंगे, एक्स रिलेटेड हो गया। एक्स वाई से संबंधित है तो रिलेशन में अगर एक्स वाई से संबंधित होता है तो वाई बराबर क्या होता है, एक्स प्लस फाइव। वाई बराबर क्या होता है, एक्स प्लस फाइव। उसी प्रकार से एक्स रिलेटेड वाई है तो वाई बराबर क्या होगा, एक्स प्लस फाइव नहीं होगा जी सर। अगर वाई रिलेटेड जेड है तो जेड बराबर क्या होगा, वाई प्लस फाइव, जेड बराबर वाई प्लस फाइव होगा ना, प्लस फाइव। अब देखो एक्स और जेड संबंधित होगा तो एक्स बराबर क्या, जेड बराबर क्या होगा, एक्स प्लस फाइव, जेड बराबर एक्स प्लस फाइव हाँ नहीं होगा जी जी। देखो क्योंकि एक्स और वाई से संबंधित, एक्स अगर वाई से रिलेटेड होता है तो वाई बराबर क्या होता है, वाई बराबर एक्स प्लस फाइव, प्लस फाइव जी। अगर मान के चलो कि एक्स रिलेटेड होगा जेड से तो एक्स बराबर ये आपको जेड बराबर क्या होगा, एक्स प्लस फाइव, मतलब जो जो शुरुआत में रहता है उसमें हम क्या करते हैं, पांच जोड़ देते हैं जी। देखो शुरुआत में क्या है, एक्स एक्स
एक्स मॉम क्या किए, पांच जोड़ ना दिए, तब ना इस वाई के बराबर लिखे। उसी प्रकार से शुरुआत में क्या है, एक्स है, उसमें हम जेड बराबर जो लिखेंगे, पांच क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखो कि x रिलेटेड y का अर्थ हो गया y बराबर x प्लस 5 और z बराबर क्या हो गया y प्लस 5 ना होगा, यानी शुरुआत में क्या है y ना है, तो y को जोड़ देंगे, y में 5 क्या करेंगे, जोड़ ना देंगे। अब देखो ये z यहाँ पर लिख दिए, ये क्या है y है ना, ये क्या है y का मान क्या है x प्लस 5 ना है, x प्लस 5, तो y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x प्लस 5 उसका 5 बचा हुआ था है ना, तो 5 5 क्या हो गया 10, लेकिन रिलेशन के अनुसार जेड बराबर तुमको क्या होना चाहिए था, पांच ना होना चाहिए, लेकिन हो क्या गया, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेते हैं, सिमेट्रिक में दो लेते हैं, ट्रांजिटिव में तीन लेते हैं, तीन एलिमेंट एक्स वाई जेड ले लिए, तीन एलिमेंट क्या लिए हैं, तो देखो रिलेशन के अनुसार क्या होगा, रिलेशन का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसके अनुसार एक्स रिलेटेड वाई होगा, क्या होगा, एक्स रिलेटेड वाई, एक्स वाई संबंधित है और वाई रिलेटेड क्या लेगा, जेड लेगा, वाई जेड से संबंधित है। देखो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है क्या, जैसे तीन हम लड़के को लेते हैं, जैसे ये हो गया आपको बी हो गया, क्या हो गया सी, तो देखो ए का दोस्त बी है, ए का दोस्त क्या है, बी का दोस्त क्या है, सी है, ए का दोस्त क्या होगा, सी होगा, जी सर होगा, ए और सी संबंधित होगा, जी सर क्या होगा, क्योंकि दोस्त का दोस्त क्या होता है, दोस्त होता है, समझ गया ना, सिमेट्रिक में हम तीन लेते हैं, सिमेट्रिक में हम क्या लेते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं, तीनों को संबंधित, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर एबीसी लिए, तो यहाँ पर आपको रिलेशन में एक्स वाई, आपको एक्स वाई जेड के ही ना फॉर्म में लेना होगा, कि एबीसी के फॉर्म में लेंगे, एक्स वाई जेड के फॉर्म में लेंगे, तो देखो क्या करोगे, एक्स रिलेटेड वाई, परिभाषा से ये कहाँ से आया, परिभाषा, और वाई रिलेटेड जेड, तो मतलब हुआ देखो पर ये जो रिलेशन किस परिभाषा किस प्रकार परिभाषित है, ये जो बाद वाला मान होता है, बाद वाला मान यानी बाद वाला मान क्या है, वाई है ना जी, तो पहले वाले मान में कितना जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है, एक्स रिलेटेड वाई का अर्थ हुआ कि वाई बराबर क्या लिखोगे, एक्स प्लस फाइव, वाई बराबर क्या लिखोगे, एक्स प्लस फाइव, वाई बराबर एक्स प्लस फाइव नहीं लिखेंगे जी सर, अब वाई रिलेटेड जेड है तो इसका अर्थ क्या हो गया, जेड बराबर वाई प्लस फाइव नहीं होगा जी सर, यानी बाद वाला मान के बराबर में क्या होता है, शुरुआत वाला मान जोड़ हो जाता है ना जी, ये हो गया। अब देखो ये जेड है यहाँ पर ले लिए, जेड ले लिए, ये आपका क्या है, वाई ना है, वाई का मान क्या है, एक्स प्लस फाइव, y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस पाँच रख दिए, एक्स प्लस पाँच, तो पाँच जोड़ पाँच कितना हो गया, दस, जब सब में x प्लस पाँच हो रहा है, y प्लस पाँच हो रहा है, तो उसी प्रकार से x प्लस पाँच ना होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, पाँच से जुड़ना चाहिए जी सर, लेकिन कितना जुड़ गया, दस जुड़ रहा है, तो x और z संबंधित होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, नहीं है। तीसरा नंबर का सवाल देखो, तीसरा नंबर का सवाल है, सेट ए दिया हुआ है, समझ गया ना, सेट ए दिया हुआ है, एक है, दो है, तीन है, उसके बाद क्या हो गया, चार, पाँच, पाँच, छह, तो हो गया ना जी सर, उसके बाद देखो आर बराबर क्या है, बराबर है सर जी, एक्स वाई सब्सिडेट वाई, एक्स वाई संबंधित है, समझ गया ना जी सर, वाई भाज है एक्स, तो वाई भाज है एक्स, तो वाई डिवाइडेड बाय डिविजिबल, डिविजिबल बाय एक्स, देखो वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, इसका अर्थ हुआ वाई एक्स से विभाजित है, वाई एक्स से क्या है, विभाजित है, आपको दिया है एक के तीन में कि ए बराबर एक दो तीन चार पाँच छह, ये सेट है, इसमें छह को एलिमेंट है जी, है ना एलिमेंट जी जी, अब देखिए इस पर जो रिलेशन परिभाषित है आर बराबर एक्स वाई, यानी दो को एलिमेंट साथ लेकर के जो पेयर बनाएंगे, तो उसी एलिमेंट को साथ लेकर के पेयर बनाएंगे, इसमें क्या होगा, वाई होगा एक्स को विभाजित करने वाला एक्स पहले हो, समझ गया ना, जैसे इसमें हम आर इसका रिलेशन लिखते हैं, यहाँ पर वन लेते हैं, देखो वन किसको विभाजित करेगा,
सही दो तीन छह पाँच छह को करेगा ना जी सर स्वयं को तो विभाजित करेगा है जी सर फिर क्या देंगे दो वन टू तो वन थ्री वन थ्री थ्री वन फोर फोर वन फाइव वन सिक्स वन फाइव हो गया वन फोर होगा वन फोर होगा पहले वन फाइव वन सिक्स मतलब कि एक्स होता है क्या होता है वन देखो जैसे वाई जो है वाई एक्स विभाजित है जी सर वाई एक्स विभाजित है कि नहीं बिल्कुल एक्स हुआ ये क्या हुआ वाई ऐसे चला अब देखो एक का क्रिया खत्म अब बचा क्या है दूसरा अब क्या बचा है दूसरा दो बचा है ना जी जी सर दो चार दो से विभाजित होगा क्या दो चार से दो एक लिख सकते हैं नहीं नो सर दो दो लिख सकते हैं जो है एक को विभाजित नहीं रिलेशन क्या कह रहा है यानी वाई किससे विभाजित है तो मतलब एक किससे विभाजित होना चाहिए था दो से क्या होगा विभाजित नो सर तो टू वन लिख सकते हैं नो सर तो हम क्या लिख सकते हैं दो दो लिखेंगे पहले दो 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 से विभाजित तब दो चार लिखेंगे दो छह तब दो छह अब देखो अब तीन वाला तीन दो का कम हो गया तीन तीन अब लिखे अब क्या लिखोगे तीन तीन तब तीन छह तीन तीन को विभाजित करेगा तीन छह को तीन किसको विभाजित करेगा आप देखा तो कर भी नहीं करेगा अब चार देखो चार चार को भी चार चार को करेगा करेगा ना पाँच पाँच अब चार छह को करेगा नहीं पाँच 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 को करेगा छह छह उसके बाद छह छह को करेगा छह को हो गया ना जी सर पहला देखो ये जो पहला रिफ्लेक्सिव हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव क्या चेक करोगे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो बोलो जैसे इसमें छोटा एलिमेंट है ना जी सबका जो है सेल्फ रिलेटेड पेयर होना चाहिए ना तब तो रिफ्लेक्सिव होगा जैसे वन है तो आपको क्या मिलना चाहिए वन टू है तो आपको क्या मिलना चाहिए टू टू देखो ये मिल गया ना जी सर थ्री है तो क्या थ्री थ्री होगा फोर है तो मिल गया फाइव फाइव सिक्स रिफ्लेक्सिव है ना सबका सेल्फ रिलेटेड पेयर है ना जी सर इसलिए इसमें एकदम क्या देगा एक्स रिलेटेड एक्स रिलेटेड एज फोर ओन फोर ओन एक्स बिलोंग्स टू ए फोर ओन एक्स बिलोंग्स टू ए यही लिखने के लिए नहीं आता है आर इज नहीं आता है रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव नहीं समझ गया ना आर क्या हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर क्या हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन दूसरा देखो सिमेट्री दूसरा सिमेट्री सिमेट्रिक में देखो सबका जो जैसे वन टू है तो टू वन है नो सर नहीं होगा सिमेट्रिक का मतलब हम क्या जैसे इस पर हम तुलना करें एक है एक तो एक एक तो सेम एलिमेंट है ना जी सर किसी को भी पहले बोलो कोई फर्क पड़ेगा नहीं लेकिन एक दो है तो आपको क्या होना चाहिए दो एक क्या दो एक है देखो खोजो तो इसमें नो सर नहीं है यहाँ पर लिखना है एक रिलेटेड दो समझ गया ना वन रिलेटेड दो एक दो से संबंधित टू डज नॉट रिलेटेड वन रिलेटेड नॉट यानी एक दो है ना तो दो एक भी इसमें होता जी सर तब ये सिमेट्रिक बोलते हैं यहाँ पर लिखना है आर इज नॉट सिमेट्रिक आर सिमेट्रिक नहीं है आर सिमेट्रिक उसके बाद देखो तीसरा क्या होता है ट्रांजिटिव तीन एलिमेंट तीसरा क्या होता है ट्रांजिटिव अब देखो इसमें तीन एलिमेंट लेते हैं क्या लेते हैं तीन को मान लिए तीन एलिमेंट एक्स वाई जेड किसका सदस्य है ए का एक्स देखो ये ट्रांजिटिव रिलेशन जो है होगा ही ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा ही निकाल सकते हो आराम से जैसे मान के चलो कि एक किसको विभाजित कर रहा है एक को फिर एक किसको विभाजित कर रहा है दो को तो अब जो ये एक और एक मिला है एक और एक मिला है समझ गया ना जी इनको क्या करोगे छोड़ दोगे जी सर तो एक दो बचेगा क्या बचेगा एक और दो एक दो को विभाजित करेगा नहीं एक दो को विभाजित हाँ करेगा क्यों ना करेगा ना जी सर एक से लग गया ना जी सर किसी प्रकार से किसी को भी मिलाओ सब मिल जाएगा
एक एक तो तीन चार किसी को भी सब मिल जाएगा, समझ गया ना। अच्छा तो मान के चलो कि ये दो है जी सर। देखो शुरुआत में कितना दो मिलता है, यहाँ पर मिला ना शुरुआत में दो जी सर। तो अब ये जो दो है इस दोनों दो को क्या करेगा, छांट देंगे तो फिर ऐसा क्या एक और दो, एक दो को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद देखो ये तीन है ना, देखो शुरुआत में किसके तीन मिल रहा है, ये यहाँ मिल गया, मिल गया ना जी सर। इस तीन को क्या करेगा, छांट देंगे तो एक तीन बचा ना, एक तीन को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना जी। तो देखो ये है ना ट्रांजिटिव रिलेशन जी सर। अगर इसको नहीं समझना चाहते तो लिख दो आर इज है वहाँ से जी, एक बार देखे तुम समझ गए सर। वहाँ किसी को भी पेयर का तुलना कर लो, ट्रांजिटिव होगा ही। दो चार और दो छह है सर जी, तो उसका शुरू वाला ऐसे मिल जाता है, तुमको छांट देंगे तो अरे सबका मिल जाता है, सबका मिल जाता है। बोलो किसका, नहीं किसी समझ गए सब का। ये दो चार है ना जी सर, क्या है दो है तो ये चार लास्ट मिला है, मिला तब क्या कंपेयर करोगे, मिलेगा तब ना कंपेयर करोगे जी सर। ई चार को ई चार को छोड़ दो, क्या बचा दो, दो, दो से मिल गया ना जी। और ट्रांजिटिव रिलेशन में और दिक्कत है सर। आर क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन है, देखिए आपको जो है कि जेड एक्स मान के लो की हिसाब में है, जेड क्या है सेट है, जेड क्या है सेट है, ये किसका सेट है, पूर्णांकों का सेट है, समझ गया ना, पूर्णांकों का समुच्चय है। और इस पर जो है एक रिलेशन आर लिखा हुआ है इस प्रकार से कि इसमें दो एलिमेंट लेंगे, एक्स और वाई के रूप में अगर दो एलिमेंट लेते हैं तो दोनों का घटाव क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, दोनों का घटाव क्या होना चाहिए, यानी एक्स माइनस वाई एक्स क्या होगा इंटीजर, समझ गया ना, एक्स माइनस वाई क्या होगा इंटीजर होना चाहिए, एज लिखे हाँ एज। अब पाला क्या चेक करोगे, रिफ्लेक्सी जो लिखना चाहेंगे तेज मेरे साथ में उतारते चलो। अब देखो तो रिफ्लेक्सी के लिए क्या गो एलिमेंट लेगा, एगो एगो एक्स प्लस एक्स बराबर क्या हो गया जीरो, इज एन क्या हो गया इंटीजर, इंटीजर आर क्या हो गया रिफ्लेक्सी, रिफ्लेक्सी हो गया। दूसरा देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इसमें दो एलिमेंट लेंगे एक्स वाई मान लिए जेड का सदस्य है, डेफिनेशन के अनुसार एक्स रिलेटेड क्या होगा वाई रिलेटेड, तो आप देखो एक्स माइनस वाई किस क्या होगा, ये बिलोंग्स टू जेड होगा क्या होगा जी, या वाई माइनस एक्स जो है बिलोंग्स टू जेड, ये आपको जेड में बिलोंग्स करेगा कि नहीं करेगा जी सर। वाई रिलेटेड क्या हो गया, वाई रिलेटेड जेड एक्स ना हो गया जी सर, जेड तो ये पूर्णांक का समूह है ना जी जी सर। तो आर क्या हो गया, आर इज सिमेट्री। तीसरा लिखो ट्रांजिटिव, तो जब बनाए जी तो ट्रांजिटिव, अब इसमें आप कितने एलिमेंट लेंगे, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड कैपिटल जेड, समझ गया ना, एक्स रिलेटेड क्या होगा एक्स रिलेटेड वाई, वाई रिलेटेड जेड, जेड इसका अर्थ क्या हो गया एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड, जेड वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू जेड, क्या बोलो। एक का पांच नंबर इसमें है कि आर बराबर जो रिलेशन है पांच नंबर का रिलेशन इस प्रकार से कि आर बराबर देखो एक्स वाई मतलब इसमें जो पेयर के रूप में एलिमेंट रहेंगे समझ गया, ऑर्डर पेयर रहेंगे ये किस प्रकार से है, एक्स और वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स और वाई वर्क एट सेम प्लेस यानी एक्स और जो वाई है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका अर्थ हो गया एक्स एंड वाई यानी एक्स और वाई वर्क एट सेम प्लेस एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी दो आदमी का जो हम बनाएंगे पेयर तो किस प्रकार से बनाएंगे, उसी आदमी को लेंगे, दो आदमी को जो एक ही स्थान पर कार्य करता है। अब बोलो रिफ्लेक्सिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं, एक बताए ना, रिफ्लेक्सिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेंगे, डिफाइन जो किया है एक, तो देखो
यहाँ पर रिफ्लेक्सिव देके डैश दिया, एक्स बिलोंग्स टू क्या करेगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या करेगा ये, क्यों मान लिया कि एक्स कोई आदमी है, एक्स कोई आदमी है और बिलोंग्स टू ए, मतलब ए मतलब क्या, ये कोई सेट है, समझ गया ना, जो आपके बुक में ही दिया है, आपके बुक में ही दिया है, ये कोई क्या है, सेट है। अब ये जब सेट है तो उसके अंदर में जाएगा कि नहीं जाएगा, बिलोंग्स टू का अर्थ क्या है, एक्स में एक एलिमेंट है, जैसे तुम इस क्लास में पढ़ते हो तो तुम इस क्लास के अंदर में हो कि नहीं हो, हो ना, इसमें हम सेल्फ रिलेटेड ना करते हैं रिफ्लेक्सिव में, इसमें कितना एलिमेंट लेगा, एक, यानी ये जो रिलेशन डिफाइंड है एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स लेते हो तो यहाँ पर भी क्या लेना होगा, एक्स, क्या लेना होगा, तब ना सेल्फ रिलेटेड होगा, रिफ्लेक्सिव में हम वाई के स्तंभ पर भी क्या लेंगे, एक्स ही लेंगे, समझ गया ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर है एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, रिलेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कहेंगे तुम्हारा नाम 50 बार क्यों न ले, समझ गया, नाम तो नहीं बदलेगा, जहाँ पर तुम काम करते हो स्थान बदलेगा, तुम अगर दिल्ली में काम करता है तो तुम्हारा हम नाम 2 बार ले ले, क्या स्थान बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो रिफ्लेक्सिव में यही करते हैं जी, एक्स लेते हैं तो एक्स एक्स 2 बार, अगर ए लेते हैं तो ए नहीं करते हैं, सेल्फ रिलेटेड नहीं करते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो ये बोलो सेल्फ रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए एक्स किससे संबंधित होगा, एक्स से, क्यों, क्योंकि एक ही स्थान पर काम करता है, तो हम लिख सकते हैं ना एक्स रिलेटेड, एक्स का क्या आर, यानी एक्स एक्स जो है आर का सदस्य है, एक्स रिलेटेड एक्स का क्या आर, एक्स एक्स जो पेयर है वो आर का क्या है, सदस्य है। ये जो फोर ऑल बिलोंग्स टू करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो मतलब ए में जितने भी एलिमेंट रहेंगे ए में सबका ना सेल्फ रिलेटेड पेयर होना चाहिए, बताए थे ना कि मान के चलो कि जेड कोई ए है, इसमें एक दो एलिमेंट है, तो इसके रिलेशन में क्या होगा, एक एक और दो दो, इसलिए हम बोलते हैं फोर ऑल, मतलब सभी मानों के लिए, तो सभी मान मतलब क्या, एक दो मान हुआ ना इसका, इन दोनों मानों के लिए हमको लिखना पड़ गया, और एलिमेंट रहता उस सब उसके लिए लिखता, लेकिन तुलना तो किसी एक को ही लेकर के पहले हम करेंगे। अब देखो क्या आ गया, सिमेट्रिक रिलेशन, अब क्या आ गया, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है कि ए बी से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो बी किससे संबंधित होगा, ए से, अगर ए बी से संबंधित है तो बी किससे संबंधित होगा, ए से, उसी को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब देखो तो सिमेट्रिक के लिए कितने एलिमेंट लेगा, सिमेट्रिक के लिए कितने एलिमेंट, दो एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव के लिए एक, सिमेट्रिक के लिए दो, और ट्रांजिटिव के लिए तीन, समझ गया, सिमेट्रिक के लिए कितने एलिमेंट लेगा, दो, 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 दो। तो मान लिया यहाँ पर तो एक्स वाई के रूप में ना है जी, किसके रूप में है, मान लिया एक्स वाई जो है किसका सदस्य है, ए का, एक्स वाई किसका सदस्य है, क्यों ए का सदस्य है, क्योंकि आपके बुक में दिया है सेट क्या है, ये है सेट क्या है, ये है। तो देखो परिभाषा के अनुसार ये पहले क्या होता है, ए रिलेटेड बी, क्या होता है परिभाषा से, तो एक स्थान पर यहाँ एक्स वाई ले रहा है, तो एक स्थान पर क्या देगा, एक्स, बी के स्थान पर क्या देगा, वाई देगा ना, तो एक्स रिलेटेड क्या होगा, वाई होगा ना, जब एक्स रिलेटेड वाई हो गया, देखो यहाँ पर ले लिया ना एक्स रिलेटेड वाई, इसका अर्थ हो गया कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका अर्थ क्या हो गया, एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स और वाई क्या हो गया, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब जो है कि उल्टा के बोलेगा, क्या बोलेगा, उल्टा के, क्या बोल नहीं सकते हैं कि वाई और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करता है, जैसे राम श्याम मधेपुरा में काम करता है, समझ गया ना, राम और श्याम कहाँ पर कार्य करता है, मधेपुरा में, तो क्या श्याम और राम बोलेंगे तो कहाँ पर काम करेगा, नहीं करेगा, उल्टा के भी बोलेंगे जी। तो सिमेट्रिक में क्या है, उल्टा के भी बोलते हैं, कोनो फर्क नहीं पड़ता, तभी ना सिमेट्रिक कहते हैं, जैसे राम और श्याम मधेपुरा में काम करते हैं, श्याम राम बोलते हो जाता दिल्ली, तो क्या हम बोलते सिमेट्रिक रिलेशन है, तब हम बोलते सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, नहीं है,
यानी उल्टा के भी बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़े तो हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, यानी ए भी मिलता है तो आपको क्या मिलना चाहिए बी ए भी मिलना चाहिए। तो वाई एक्स भी क्या होगा एक ही स्थान पर ना काम करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे वाई रिलेटेड एक्स, वाई किससे संबंधित हो गया आर, क्या हो गया सिमेट्रिक रिलेशन, आर कौन रिलेशन हुआ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। उसके बाद ट्रांजिटिव में आते हैं, हम किस में आएंगे ट्रांजिटिव में, बोलो ट्रांजिटिव रिलेशन की हम कितने एलिमेंट लेते हैं, तीन लेते हैं ना, जब ट्रांजिटिव की हम तीन लेते हैं तो देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है ए रिलेटेड वाई, जैसे ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी, तब सी एलएचएस वाला पार्ट होता है ना जी, जी सर एलएचएस वाला पार्ट यहाँ पर आपको लिख देना है। अब क्या पुराना है आरएचएस वाला पार्ट जो आपका होता है मतलब इस साइड का पार्ट, यानी ए रिलेटेड सी जी, यानी ए किससे संबंधित है बी से, बी किससे संबंधित है सी से, यहाँ जेड से संबंधित है, यहाँ पर एबीसी की जगह क्या है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तो हम क्या देंगे एक्स रिलेटेड वाई और वाई रिलेटेड जेड, हो गया ना। एक्स जेड से पुराना है कि एक्स जो है जेड से संबंधित है। अब देखो तो एक्स और वाई क्या कहेंगे एक ही स्थान पर काम करते हैं। देखो एक्स रिलेटेड वाई का क्या अर्थ हो गया कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, क्योंकि ये रिलेशन में लिखा हुआ है, जैसे एक्स वाई है ना, इस एक्स वाई को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक्स रिलेटेड वाई, क्या लिखेंगे समझ गया ना, ये जो एक्स वाई है तो इसका अर्थ हो गया कि एक्स रिलेटेड वाई, एक्स रिलेटेड वाई, एक्स वाई समझ, तो यानी एक्स और वाई किससे संबंधित, मतलब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इनसे संबंधित है, एक ही स्थान से संबंधित है, किनसे संबंधित है एक ही स्थान से। एक्स रिलेटेड वाई का अर्थ क्या हो गया एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कहाँ पर कहाँ कार्य करते हैं, अब वाई रिलेटेड जेड का अर्थ क्या होगा बोलो, क्या वाई और जेड एक ही स्थान पर काम कर एक ही स्थान पर कार्य करते हैं जी, होगा जी, बोलो जब एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करता है वाई और जेड भी एक ही स्थान पर काम कार्य करता है तो क्या एक्स और जेड क्या होगा जी सर एक ही स्थान पर काम करेगा। जैसे एक्स और वाई क्या है मधेपुरा में काम करता है, वाई और जेड कहाँ पर काम करता है मधेपुरा में, तो तीनों व्यक्ति तो मधेपुरे में काम किया जी, यस सर। किसी भी किसी दो का नाम लेगा तो कहाँ पर होगा स्थान मधेपुरे में होगा जी, तो हम बोल सकते हैं ना कि एक्स और जेड जो है कहाँ पर काम करता है मधेपुरा, यहाँ पे काम करता है, हो गया मधेपुरा में। तो ये देखो ये रिलेशन का विरोध कर रहा है, नहीं कर रहा है कि स्थान का सहमत है, इसलिए एक्स किससे संबंधित हो गया जेड से, इसलिए आर कौन रिलेशन होगा